वहीं खंडवा लोकसभा सीट पर भाजपा ने एक उपचुनाव मिलाकर लगातार चौथी बार जीत दर्ज कर ली है। भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल को 2,68,971 वोट के अंतर से हराया है। वहीं पाटिल को मिले कुल वोट 2019 में नंद कुमार सिंह चौहान को मिले कुल वोट से ज्यादा है। हालांकि वे नंदू भैया की लीड का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। खास बात तो यह है कि भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने गुरु का रिकॉर्ड तोड़ा है। भाजपा की जीत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। आज क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे जननायक प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर और हमारे प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की दोनों डबल इंजन की सरकार ने जो गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई और निश्चित रूप से गरीब के कल्याण की योजनाओं से लेकर तो क्षेत्र के विकास तक भारतीय जनता पार्टी पर हमारे क्षेत्र की जनता ने विश्वास जताया है और भारी समर्थन देकर मुझे आशीर्वाद देकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आशीर्वाद देकर अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास मेरी तरफ से पहले भी किया है और अभी भी पूरा प्रयास करूंगा और जो भी लंबित कार्य हो गए यहाँ के विकास के को लेकर यहाँ के रोजगार को लेकर उन सारे कार्यों को प्राथमिकता देकर हमारे युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिलने की दिशा में काम किया जाए।